नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव, एनजीओ कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल, जहां पे आप एनजीओ संबंधित ढेर सारी जानकारियां पाते हैं और अपडेट्स पाते हैं। इस प्रकार की जानकारी को आप लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज का जो विषय है मोस्ट डिमांडिंग विषय है, काफी क्वेरीज इस पे होती है, जिसपे मेरी मजबूरी हो गई थी फिर से वीडियो बनाना, क्योंकि इस पे वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ सेम सब्जेक्ट पर, लेकिन इसमें थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को दूसरे तरीके से मैं लाऊंगा। विषय वो है कि नई संस्था को कैसे बनाई जाए। तो नई संस्था को बनाने के लिए काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास बहुत सी क्वेरी जाती है कि कहाँ बनवाना है, कहाँ पे जाना है, किस सेक्टर में बनवाना है। तो वही सारी चीजें इस वीडियो में, इन बातों पर चर्चा होगी। तो आप जब एक नई संस्था बनाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये आता है कि आपको संस्था किस एक्ट के तहत बनवानी चाहिए। देखिए, तीन तरीके से आप संस्था बना सकते हैं। एक होता है सोसाइटी एक्ट के तहत, और दूसरा होता है ट्रस्ट एक्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको कहते हैं, और तीसरा होता है सेक्शन एक्ट की कंपनी, जिसको चैरिटेबल कंपनी कहते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि नेचर ऑफ वर्क, मतलब जो इनके काम करने का तरीका है या जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वो सेम होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तीनों में आप किसी के तहत रजिस्टर्ड करा लीजिए, लेकिन आपको समाज कार्य करना है, आपका समाज कार्य कर सकते हैं, किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड करा के सेम सब ऑब्जेक्टिव को आप लेके चल सकते हैं। जैसे मान लिया आपको स्कूल चलाना है तो आप ट्रस्ट एक्ट में भी चला सकते हैं, सोसाइटी एक्ट में भी चला सकते हैं, चैरिटेबल कंपनी खोल के भी आप सोशल वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं एक्ट के तहत। उसके बाद से जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंटेशन। तो सोसाइटी के डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, इसमें या मेमोरेंडम होता है, बाइलाज होता है, ट्रस्ट में डीड बनती है, और चैरिटेबल कंपनी में एमओयू बनता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। और इसके बाद आपके पास आ जाता है जब आपकी संस्था आपको जाना कहाँ होता है, ये मैं बता दूं, जहाँ पे लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहाँ जाना होता है। तो आप सोसाइटी एक्ट में अगर आप कराने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में जाना होता है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी नॉर्मली आपको मंडल में या डिवीजन में मिल जाएगा, जहां भी हेडक्वार्टर होता है वहां पे आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का ऑफिस मिल जाएगा। और दूसरा ट्रस्ट, ट्रस्ट चैरिटी कमिश्नर करता है, तो ये आप अपने कचहरी में जाएंगे तो वहां पे आपको मालूम चल जाएगा जहां से ये चैरिटी कमिश्नर बैठता है, वहां पे आप ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तीसरा चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन एक्ट की कंपनी, तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में होता है, ROC में होता है, और ये आप किसी भी CSA या फिर किसी भी इनकम टैक्स के वकील से आप मालूमात करेंगे तो आपको इसका ऑफिस मिल जाएगा। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो ROC का आपके स्टेट में कहाँ पे ऑफिस है मालूम चल जाएगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है, ये आपको मालूम चल जाएगा। अब रही बात आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आगे आपको क्या करना है। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसके बाद से एक नई संस्था को फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले संस्था को पैन नंबर लेना चाहिए उसका, उसके बाद से उनको एक बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, फिर उनको साथ में एनजीओ दर्पण जो गवर्नमेंट का पोर्टल, वहां पे अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए। उसके बाद से फिर वो अपनी एक्टिविटी शुरू करें। कैसे मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, किस प्रकार की मैनेजिंग कमेटी होती, इस पे मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, जहां पे आप जाके इस चीजों को पा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए भी वीडियो अपलोडेड है, आप उस पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स को भी पा सकते हैं। अब नई संस्था को कैसे शुरुआत किया जाए, ये आपके दिमाग में पहले से सारी चीजें होंगी, क्योंकि जिस संदर्भ में आपने संस्था का निर्माण किया हुआ है वो चीजों को आपको अब शुरुआत करनी है। तो आपने पैन नंबर बनवा लिया, आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, आपने एनजीओ दर्पण ID ले ली, अब यहाँ पे आपकी चीजें कंप्लीट हुई कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए फिर आपको जो है देखना पड़ता है कि क्या काम करना है, क्या बैकग्राउंड हमें तैयार करना है, उस बेस पे फिर आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको 1 साल 2 साल 3 साल का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इन बीचों में आप अपने एक्टिविटीज को जरूर शुरू कर दीजिए, और जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स रखिए और उसके डिटेलिंग अच्छे से कीजिए। प्रत्येक साल जो है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने बैलेंस शीट को बनवाइए और उसको जो है ऑडिट करवाइए, फिर उस पे आप एक एक्टिविटी रिपोर्ट भी पहले तैयार किए रहिए, फिर उसके बाद उसका एक RTR सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आप अपने संस्था को तैयार करके
जब तक आपकी संस्था इस लायक न हो जाए कि गवर्नमेंट के फंड मिले या फिर प्राइवेट कंपनी से फंड मिले या कहीं और से भी आपको जो भी फंड मिल सकता है। इन बीचों में आप चाहे तो 12A/80J के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। समय पूरा होने पे FCRA भी करा सकते हैं, जैसे उसमें 3 वर्ष का समय मांगा जाता है। तो इस तरह से आप अपनी नई संस्था को यहाँ तक ला सकते हैं और फिर एक जो है एक अच्छी संस्था बन के गवर्नमेंट के फंड को लेके या फिर प्राइवेट कंपनीज के फंड को लेके समाज कल्याण में आप अपना भी योगदान कर सकते हैं। इस तरह से एक नई संस्था को बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है और आप आगे तक इसको अपने प्रयास से ले जा सकते हैं। यही बातें थी मित्रों, मैं जो आपसे बताना चाह रहा था। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।